चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओए चांसलर होश में, होश में आ, होश में आ, होश में आ। ओए चांसलर होश में आ, होश में आ, होश में आ। ओए स्टीव कोई बात, जस्टिस जम्मू नसी, हाय हाय जम्मू नसी, हाय हाय। चांसलर होश में आ, होश में आ, होश में आ। वाइस चांसलर एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, काम करो। वाइस चांसलर एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, काम करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, जम्मू यूनिवर्सिटी, मुर्दाबाद। देखिए जो ये हम लोग प्रोटेस्ट करने का रीज़न ये है कि जिस तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है हमारा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो CBCS है जो क्रेडिट है, मगर ये लोग आप देखिए कि साल के अंदर कौन सी नई एडमिशन करवानी पड़ती है। हर साल एक फर्स्ट सेम में एडमिशन होती है, थर्ड में होती है, फिफ्थ में होती है। अब इनकी गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है यूनिवर्सिटी वालों की, ये चोर बाजारी है, ये पैसे के चक्करों में इस तरह गुंडागर्दी बढ़ रही है कि आप फिफ्थ सेम से सिक्स सेम तक हमें एडमिशन के लिए ऐसे जो है कि फर्स्ट थर्ड को पास करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ही इनजस्टिस है और ये कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे ये प्रोटेस्ट है कि हमारे साथ जो ये इनजस्टिस हो रहा है, हम इसके खिलाफ खड़े हैं। इसलिए हम गवर्नर साहब को सुनते हैं, वो स्टूडेंट्स को लेकर बड़े पॉजिटिव बोलते हैं, उनको भी और वाइस चांसलर को भी ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे साथ इंसाफ करें। अगर आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो हम अपनी एडमिशन जो बाकी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो भी नहीं लेंगे और हम क्लासेस में भी नहीं बैठेंगे, क्लासेस बॉयकॉट करेंगे। अगर फिर भी नहीं होता तो आई एम गिविंग दिस चैलेंज इन द लास्ट वार्निंग टू द ऑल ऑफिसर्स दैट हम लोग हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे और इस डेमोक्रेटिक वे में बैठेंगे और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये लोग होंगे। ये क्या चाहते हैं कि हम लोग कॉलेज में बैठ के पढ़े या रोड्स पे आए, अब इनको फैसला करना है। हम ये प्रोटेस्ट इसलिए निकाल रहे हैं कि पहले इनका ये रूल था कि जब थर्ड सेम में हम पहुंचे तो इन्होंने ये कहा कि 50% क्रेडिट बेस होना चाहिए, और जब हम फिफ्थ में पहुंचे तो इन्होंने बोला कि 50% क्रेडिट बेस होने चाहिए। अब इनका कौन सा नया रूल निकल गया है? आधे सेमेस्टर हो गया, एक सेमेस्टर हो गया और आगे वाला नहीं। अब अगर इन्होंने रोकना चाहा था तो पहले रोक सकते थे, अब ऐसे क्यों कर रहे हैं ये? इस पर हम बोल रहे हैं कि ये एक्शन लिया जाए इन पर, और जब हम रिवेल भरते हैं पहले ये फेल कर देते हैं। ये पैसों के लिए ऐसे कर रहे हैं कि दोबारा हर बच्चे का 10,000 रुपया और भरना पड़े, और इस बार हम रिवेल मतलब भरते हैं तो और एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाते हैं। ये कैसे करते हैं? हमारी शीटें भी नहीं चेक करते ये। वही कहना चाहते हैं कि हमें एडमिशन सिस्टम में मिलनी चाहिए, वरना ये बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगी। हमारे साथ इनसाफी हो रही है।